नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएन भारत और मैं हूँ राशिका बजाज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खदान लीज मामले में अब जेएमएम खुलकर सामने आ गई है। जेएमएम केंद्रीय कार्यालय में पार्टी विधायक सुदिव्य कुमार सोनू और केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने अपने सरकार को बचाने के लिए बीजेपी पर हमला बोला है। वहीं बीजेपी ने भी इस पर पलटवार किया है। दोनों पार्टी का क्या कहना है, आइए हम आपको सुनाते हैं। जिस तरीके का नैरेटिव बना रहे हैं, वो नैरेटिव कहीं न कहीं यह दिखाने को का प्रयास है कि ये सरकार कल चली जा रही है। मेरा स्पष्ट यह मानना है कि प्री पोल अलायंस में चुनाव पूर्ण किए गए इस गठबंधन को झारखंड की जनता ने 47 सीटें दी हैं और 25 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी यह डिक्टेट या रूल नहीं कर सकती है कि इस प्रदेश में शासन किसका होगा। जनता जनार्दन मालिक है और जनता जनार्दन ने 19 के चुनाव में गठबंधन को स्पष्ट बहुमत दिया है और किसी भी परिस्थिति में मैं यह मानता हूं कि यह फैसला फ्लोर ऑफ द हाउस पर होगा। फ्लोर ऑफ द हाउस यह तय कराएगा कि सरकार किसकी रहेगी और कौन सरकार में बैठेगा। मित्रों, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी तो हमें लगा था कि जो इस राज्य में अभी वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या है, जो बिजली संकट की समस्या है, शायद उस पर उन्होंने कुछ स्पष्टीकरण और कुछ ठोस आश्वासन देने के लिए बुलाया होगा, लेकिन बिजली पानी की उन्होंने चर्चा तक नहीं की। और इस राज्य में मुझे लगता है मौजूदा हालात में बिजली की जो खस्ता हाल हो गई है, इससे महत्वपूर्ण कोई दूसरा विषय नहीं था। अब हमने जो आपको आज बातें कही, वो सरकार को अस्थिर करने की बात इसमें कहाँ से आ गई। हमने आपको जुडिशरी के जो न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, जो हाईकोर्ट के अंदर, जिसमें मुख्यमंत्री जी पर खान पट्टी लेकर अपने आप को उपकृत करने का इन्होंने अभी आरोप लगा है, उसकी कार्रवाई सब जुडिस है, अदालत में विचाराधीन, तो विचाराधीन मामले में इस तरीके का बात करना कोर्ट रूम के बाहर उचित नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिस दिन वो इनसे जवाब मांगे तो इसमें चर्चा हो सकती है, जरूर हो सकती है, लेकिन अदालत में भी ये मामला विचाराधीन है, हमें नहीं भूलना चाहिए। और अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को साइट करके और ये सुप्रीम कोर्ट के आप सेलेक्टिव जजमेंट्स को साइट करके दिखा रहे हैं, मैं भी 5 जजमेंट साइट कर सकता हूँ जहाँ सुप्रीम कोर्ट का कोई दूसरा व्यू है। तो ये एजेंडा सेट करने की कोशिश की जा रही है सब जुडिस मैटर में, ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत विचाराधीन नहीं है, ये हाईकोर्ट में भी विचाराधीन। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।